नमस्कार आदाब, मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी साइन बाग में हैदराबाद से आए हुए खालदा परवीन एनआरसी सीए को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इंसानियत की आहें है शाहीन बाग में। अपने बच्चों को कुरान चढ़ा सकती है, इस वक्त को पैदल कर सकती है, कुरान चढ़ा सकती है। किसी ने पूछा मुझसे कि मोदी को और अमित शाह को आप हृदय मांग रहे क्या करेंगे, मैं करूं, मैं चलाऊं। हाँ, जब चाय वाला चला सकते तो मुझे चलाने में क्या मसला है, नहीं है मेरा। मसले का हल यही है, तो मसले का हल मैं बताने आई हूं। मसले का हल उनको भी बता रही है मैं। आप अपना ये हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब खत्म कर दो, आप कभी नहीं बना पाओगे इस हिंदू राष्ट्र, इस देश को। आप इसलिए कि सेक्युलर माइंडेड के नौजवान यहीं भी मौजूद है, नौजवान बच्चियां मौजूद है, हम जैसे बूढ़े मौजूद है, जब तक हम सब जिंदा रहते आप इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्या क्या तमाशा करते हैं पार्लियामेंट में, हमेशा कहते हैं एकदम पूरा देश में एनआरसी वाला हिल हिल के बता रहे थे, पूरा बॉडी हिल रहा था, इतना घमंड, पूरा देश में एनआरसी होगा। और एक दफा कहते हैं एनआरसी कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं रामलीला मैदान में एनआरसी पे कोई चर्चा ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं, झूठ बोलते हैं आपस में एक दूसरे से। ये दोनों के बीच में कोई मसला है क्या, सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग बैठ के, हो सकता है। इतना ही नहीं, अमित शाह का जो बॉडी लैंग्वेज हर रैली में हम देखे, इतना घमंड। दिल्ली के इलेक्शन मौके पे अपने पार्टी कुछ बात बताना था, वहां पे अरविंद केजरीवाल स्कूल कॉलेज बनाए, आप कुछ और बनाना था, कुछ ने तो सचिवालय बना लेते, वो उसकी बात तो नहीं करे, लेकिन जरूर ये बात किए मित्रों, आप भाइयों, इन्होंने भाई बोले शायद, मित्रों बोलते भाइयों, आप इलेक्शन के दिन में ईवीएम का मशीन का बटन इतना जोर से लगाओ शाहीन बाग करंट लगे, शाहीन बाग करंट लगा, खुद को करंट लग गया। और आज तक संभल नहीं पाए, आज तक करंट से संभल नहीं पाए। ये हमको कहते हैं हमको करंट का शौक लगा, हमको शौक लगाते, शौक पर शौक, अब हम देते आप दे लेते रहना, कितना इल्जाम, कितना झूठ, वो खुल्ला झूठ, खोल के झूठ बोलते हैं लोग, इतना खुल्ला झूठ बोलते हैं कि कहते हैं कि 500 रुपए लेके खवातीन आके बैठती है यहाँ पर शाहीन बागों में, खवातीन 500 रुपए लेके आते हैं। तो कोई दादी से, दबंग दादी, दिल्ली की दबंग दादी से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी जिंदगी का पहला